नमस्कार, डेली मिरर में आपका स्वागत है। मैं सुनाली, आइए देखते हैं आज की अहम खबरें। नाथनगर में एक बार फिर लहराया जदयू का झंडा। कांटे की टक्कर में लक्ष्मीकांत मंडल ने राजद प्रत्याशी रबिया खातून को किया पराजित। भागलपुर नाथनगर विधानसभा उपचुनाव के जदयू प्रत्याशी लक्ष्मीकांत मंडल ने कांटे की टक्कर के बीच राजद प्रत्याशी रबिया खातून को 4,963 मतों से शिकस्त दी। इस दिलचस्प विधानसभा उपचुनाव में जदयू और राजद प्रत्याशी के बीच हर एक राउंड में कांटे की टक्कर रही। अंतिम राउंड में जदयू के लक्ष्मीकांत मंडल ने राजद के रबिया खातून को 4,963 वोटों से शिकस्त देकर जदयू प्रत्याशी ने जीत हासिल कर ली। जीत के बाद जदयू और एनडीए के कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल देखा जा रहा है। जदयू प्रत्याशी लक्ष्मीकांत मंडल को इस चुनाव में 55,779 और राजद के रबिया खातून को 50,816 मत प्राप्त। नीचे करो से जो सरकार के द्वारा जो योजनाएं चल रही है, चाहे वह 44 विभाग हो और 400 प्रकार की अधिक योजनाएं चल रही है, उन योजनाओं को एकदम जमीन पर धरातल पर पारदर्शिता के साथ लागू होना करना, यही मेरा मुख्य मुद्दा रहेगा। कहीं ना कहीं आपके जीत में जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं अशोक आलोक का बहुत बड़ा हाथ दिखाई पड़ रहा है। लगभग 15,000 मत उन्होंने काटा है। जो भी मिल जाएगी प्रत्याशी ने मत काटा हो, वो उसने सभी कैंडिडेट का मत काटा है। ऐसा नहीं कि सिर्फ हम मेरा प्रतिनिधि का ही काटा है। बाकी सब जगह आप लोग हार गए पूरे बिहार में? अरे पूरे बिहार में हार गए उस पर मैं तो प्रतिक्रिया कुछ नहीं देना चाहता हूँ, लेकिन यहाँ जो भागलपुर में नाथनगर विधानसभा के जीत हुई है, यह माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जीत है। और साथ ही साथ भागलपुर के सभी कार्यकर्ताओं का और नाथनगर विधानसभा के क्षेत्र के सभी मतदाताओं का उसमें सम्मान है और उसकी जीत है। कहलगांव थाना में मूर्ति विसर्जन हेतु काली पूजा समिति के अध्यक्ष के साथ की गई बैठक। अनुमंडल पदाधिकारी सुजय कुमार सिंह की अध्यक्षता में कहलगांव थाना में काली पूजा समिति के अध्यक्ष के साथ मूर्ति विसर्जन हेतु बैठक की गई। बैठक में सरकार के दिशा निर्देश का अनुपालन करते हुए गंगा किनारे सती घाट में एक अस्थायी तालाब का निर्माण कर मूर्ति विसर्जन करने का निर्णय लेते हुए स्थल निरीक्षण किया गया। बता दें कि गंगा अथवा गंगा के सहायक नदियों में मूर्ति विसर्जन नहीं करने के दिशा में सरकार द्वारा दिशा निर्देश दिए गए। बैठक सह स्थल निरीक्षण के इस मौके पर DSP रेशु कृष्ण, नगर पंचायत कार्यपालक पदाधिकारी सौरभ सुमन, थाना अध्यक्ष गजेंद्र सिंह, विधायक प्रतिनिधि प्रवीण कुमार राणा, सुजीत मिश्रा, सुरेंद्र प्रसाद सिंह, संजीव कुमार तथा काली पूजा समिति के अध्यक्ष मौजूद थे।